और गाइस दादी ना बीमार चल रही है, इनके ना पैरों और हाथों में थोड़ी दिक्कत है तो चलने में प्रॉब्लम आती है। गाइस अब देखना कैसे चाटेगी मेरा हाथ। ये देखो ये देखो ये देखो, ये प्यार है गाइस, प्यार। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। और गाइस आज है नेक्स्ट डे शादी के बाद का दिन। और ना गाइस सुबह में शादी वाले घर से आया था, ठीक 6:30 इसी के आसपास आया था। और आते ही आप सभी को पता कि पूरी रात भर सोया नहीं था, फिर तो मतलब सोना बनता ही था। गाइस शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा भी स्टार्ट हो गया है। और गाइस अभी ना हम लोग जा रहे हैं, मैं दादू दादी कहीं थोड़ा काम से जा रहे हैं अभी शाम के टाइम। थोड़ा दवाइयाँ वगैरह भी लेनी है दादी को, इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ते हैं उनको थोड़े। और बाकी ना यहाँ का माहौल देखो गाइस कुछ इस तरह का है। और शाम का टाइम है, 6:30 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। और गाइस आज है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे ना सुबह हो चुकी है। अभी वैसे सुबह नहीं, अभी दिन का टाइम हो रहा है। और सुबह से ना गाइस टाइम नहीं लगा था क्योंकि दादी बीमार है। और कल शाम को भी ना हम लोग जैसे ही निकले थे घर से तो टाइम नहीं लग पाया था, हम सीधे गए थे, दवाइयाँ वगैरह ली थी। और वैसे गाइस आ गए और सुबह का ना अभी भी थोड़ा टाइम नहीं लग पाया था, इसलिए मैंने कैमरा नहीं निकाला। और सबसे पहले ना गाइस माहौल देखो यार, कितना प्यारा और अल्टीमेट माहौल है। और सामने के पहाड़, और ये नीचे वाला गांव हमारे बिल्कुल नीचे वाला गांव है। और ये देखो सामने के पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। और गाइस अभी अपने दादू दादी से मिलवाने वाला हूँ क्योंकि पीछे आपने देखा टाइम नहीं लग पाया था। और सबसे पहले दादू दादी से ही मिलवाऊंगा। और ये हैं मेरे दादा दादी। और कैसे हैं, क्या हाल चाल दादा दादी, क्या हाल चाल? ठीक है, ठीक हो? और गाइस दादी ना बीमार चल रही है, इनके ना पैरों और हाथों में थोड़ी दिक्कत है तो चलने में प्रॉब्लम आती है। और ये दादाजी, और क्या चल रहा है फिर? बैठे और गाइज ये देखो मेरी दादी की स्माइल, बड़े दिनों बाद ऐसे कैमरे पे, ऐसे तो बीमार ही रहते हैं ज्यादातर। और ये देखो गाइज सामने का माहौल कुछ इस तरह का है। और बोल दादा किच? बस क्या बोलना है, बोलो। गाने छोड़। शाम के 5:30 बज रहे और फिलहाल ना आज घर में गाइज तो थोड़ा मतलब कुछ टाइम नहीं लग पा रहा है, ब्लॉगिंग करने के लिए भी वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं लग पा रहा है। तो ऐसे में ना शाम के 6:30 इतना टाइम हो चुका है। और ये देखो सूर्यास्त भी अभी हो चुका है। और ये देखो कुछ इस तरह का भी माहौल है। और फिलहाल ये देखो गाइस ना मतलब रात की लाइटें जली थी, कोई पता नहीं। अभी मैं अंदर आया, अभी दरवाजा खोलूँगा। हेलो गाइस अगेन, गुड मॉर्निंग। आज है उससे भी नेक्स्ट डे। और आजकल ना घर पे जाके गाइस टाइम नहीं लग पा रहा किसी भी चीज़ के लिए, वीडियोस वगैरह बनाने के लिए भी उतना टाइम नहीं लग पा रहा क्योंकि गाइस फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है क्योंकि घर पे दादी बीमार हैं तो हो जाता है कई बार और टाइम नहीं लग पाता है। और फिलहाल के लिए ना आज सुबह सुबह अपने कपड़े वगैरह धो रहा हूँ यहाँ पे। और दादी ठीक होते तो दादी ने धो देने थे, दादी बीमार हैं और दादू जी काम पे, और मम्मी वगैरह तो उधर हैं आप सभी को पता है। और बाकी अभी यहाँ पे ना देख सकते हो अभी कपड़े वगैरह धोए जा रहे हैं। गाइज ना कपड़े वगैरह धो के तो फ्री हो गया गाइज, एक जोड़ा मेरा था और एक एक जोड़ा दादू दादी जी का था, उतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे बट टाइम तो लग गया। मतलब काफ़ी जमाने बाद गाइज खुद कपड़े धोए, खुद तब धोया करता था गाइज जब स्कूल में होता था, स्कूल टाइम पे और कॉलेज टाइम पे। और उसके बाद तो मम्मी फिर साथ में ही रहते थे। और मतलब अभी ये देखो गाइज फाइनली ना कपड़े वगैरह धो के मैंने सुखाने के लिए भी डाल दिए हुए हैं, थोड़े से कपड़े थे गाइज, ज़्यादा नहीं थे तो इसलिए मैंने धोए। और काफ़ी दिनों बाद ना आज कपड़े धोने वाला एक्सपीरियंस भी मिला। और ये देखो गाइस मतलब बाल थे ना आंखों पे आ रहे थे तो मैंने दादी का जो क्लचर होता है ना वो बालों पे फंसा दिया। और मतलब गाइस ऐसे ही चलता है यार, मतलब जुगाड़ भरी लाइफ है तो जुगाड़ ही करने पड़ते हर जगह। और बाकी अभी देखते हैं क्या बनता है थोड़ा ना यहाँ पे। एक तो बैग वगैरह भी अपना धो लेता हूँ क्योंकि बैग भी धोने को, बाकी तो मैंने कपड़े वगैरह धो लिए। और बाकी गाइस आप बने रहिए। और ये देखो गाइस ये हैं अपने खेत यहाँ पे, और यहाँ पे ना लहसुन धनिया वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है दादी जी ने, साग वगैरह सब कुछ, मतलब यहाँ पे ना आलू वगैरह सब कुछ है गाइस। मतलब थोड़ा थोड़ा ना अपना गुजारा सब कुछ हो जाता है यहाँ पे, मिथरे वगैरह दूसरा हो गया हरा धनिया। मतलब गाइस खाने पीने का ना घर पे उतना वो नहीं रहता है, सब कुछ मिल जाता है, हो जाता है। मतलब खेतों से कोई साग सब्जियां होगी अपनी फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा, और दूध हो गया, घी हो गया, गाय वगैरह का अभी गाय और भैंस से भी मिलवाऊंगा अपनी। मैं आप सभी को फ़िलहाल ना काम से फ्री हो लूँ और थोड़ा फ्रेश भी हो लूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना आया नहीं हूँ, नहा वगैरह लेता हूँ नहीं तो गंदा हो जाऊँगा। और बाकी ये वाले पहाड़ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और सामने ना ये देखो कुछ इस तरह का यहाँ पे माहौल है।
और ये हमारे गांव से नीचे वाला गांव, पहले ही मैंने बोला था। और बाकी गाइस आपने बने रहना है, देखते हैं यहाँ पे गाइस हमारे गाय और भैंस रहते हैं, हमारे पीछे की ये गाय है, बाकी आपने बने रहना है, सभी से मिलवाऊंगा। एक दो गाय हैं, एक गाय की बच्ची है और एक भैंस है हमारी, तो सभी से मिलवाऊंगा। आप बने रहिए, थोड़ा ना फ्रेश हो लूँ, अपना काम ख़त्म कर लूँ एंड देन। तो फाइनली गाइस इधर कपड़े वगैरह धो के फ्रेश हो के ना, काफ़ी दिनों बाद घर, मतलब जब से घर आया था तब से नहाया नहीं था, और आज अभी ना नहा के फ्रेश हो के और धूप वगैरह सेक है ना सेक के फ्रेश हो चुका। अभी ये खाना खाने तक का टाइम, तो अभी लंच वगैरह करते हैं और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये है मेरी गाय और भैंस, गाइस ये है भैंस हमारी और ये है गाय और ये है गाय की बच्ची। हेलो हेलो बच्ची, हेलो। और गाइस ये है हमारी भैंस, जाग के भी सोई हुई थी, जागी तू है, मुझे देख के जागी। और ये देखो ये है हमारी गाय गौ माता, और ये है इसकी बच्ची, छोटी सी बच्ची, छोटी सी छोटी बच्ची हो क्या, डरा रही है मेरे को तू है। गाइस अब देखना कैसे चाटेगी मेरा हाथ, ये देखो ये देखो ये देखो, ये प्यार है गाइस प्यार। ले तू भी चाट ले, हाँ तू पहले सूंघ ले ना उसके बाद चाटना, ठीक है ले। और ये भैंस पे ट्राई करते हैं, भैंस खतरनाक लग रही है, आंखें में आंखें लाल लूल कर ली है भैंस ने। ये देखो भाई डरा रही है, बोलना भाग जाए यहाँ से, कहाँ से आ गया तू, कहाँ से आ गया भाई उठ के। ये मेरी भैंस है, मारती है मारती है, ये गाय है, ये गाय का बच्चू है, छोटा सा बच्चू है। ले ये देखो गाइस यहाँ पे रहते हैं ये भैंस, ये गाय, ये गाय की बच्ची। और ये थी गाइस हमारी गाय और भैंस, तो आपने ये भी देख ली, और फिलहाल अभी देखते थोड़ी देर ना बातचीत करते हैं इनके साथ, बातें करने में काफी मजा आता है। ओए 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 रुक जा उस साइड आने दे मेरे को, टक्कर मत मारना यार। ओए 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 ले डर रही होगी ये, तो डर रही है, बोलना कौन सा प्राणी आ गया, ये प्राणी नहीं हूं मैं, प्राणी नहीं हूं मैं, आपका सेवक हूं। रुक जा मेरे को जाने दे, मेरे को जाने दे। ओ भाई साहब ये देखो गाइस, ये देखो डरा रही है मेरे को, तू मेरे को डरा रही है, तू मेरे को डरा रही है, तू मेरे को डरा रही है। बोल अब देखना इसको खारिज करूंगा ना मैं, फिर चुप बैठेगी। छोटे छोटे तेरे सींग है, कैसे मारेगी तू है, छोटे छोटे तेरे सींग है बता। इसकी मम्मा नहीं मारती है गाइस, ये बड़ी प्यारी है बेचारी, इसके सींग नहीं है। ये देखो भाई, ये देखो भाई वोला क्या बोल रहा है, फोन पे है, नई भाषा कोई, नई भाषा बोल रहा है कोई फोन पे। रुक हट चल, हाय बब्बा मार छोड़ा था मैं उसको, बच गया। गाइस ये जब मैं छोटा सा होता था ना, तो ये भैंस छोटी सी होती थी और मैं भैंस के साथ जाया करता। रुक 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 तेरा सींग फंस चुका, ले ओ भाई रुक। ये देखो मेहनत, तो फाइनली सींग निकाल ही लिया अपना भैंस ने। जब मैं छोटा सा होता था ना, इतनी छोटी सी होती थी ये, सामने पैदा हुई है, सामने बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी नहीं हुई बड़ी, तू मना कर रही है, मना कर रही है भाई। ये देखो इसके ड्रामे देखना, मारने को पड़ रही है, ये भी मारने को पड़ रही है, वो ना बड़ी देर से बक बक कर रहा है इधर, तू मेरे को मारती है हा? ये नहीं मार रही गाइस बेचारी, इसने मेरा हाथ भी चाटा था, ये शरीफ है, ये दो बदमाश है यहाँ। चलो बाय कर दो, जा रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है। क्या सुन रही है ध्यान से, क्या सुन रही है बोल। गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:30 और हम लोग ना, मैं और दादाजी राशन लेने जा रहे हैं, मतलब खाने पीने का सामान लेने जा रहे हैं दुकान पे। तो बाकी गाइस आप बने रहिए यार, घर पे ना मतलब काम ही काम होता है, उतना भी नहीं होता है, मतलब उतना हार्ड काम नहीं रहता है, बट इंसान ना एक टाइम मतलब
एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहता, बस 24 घंटे बिजी, इधर जाओ उधर जाओ, ये काम करो वो काम करो। बाकी इस तरह का गाइस माहौल है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। सामने देखो बादलों का ना इंसान बन गया हुआ है, वो देखो सामने, और इस तरह का कुछ रास्ता है। और धूप तो काफ़ी लेट जाती है, मतलब अभी काफ़ी अच्छी धूप भी लगी है, हवा भी है मिक्स, तो ठीक है, मतलब उतनी गर्मी भी नहीं है उतनी ठंड भी नहीं है। और वैसे भी गर्मियों का टाइम तो आ ही रहा है, काफ़ी गर्मियाँ होने वाली इस बार तो। और गाइस ये हैं दादाजी पीछे और मैं आगे आगे और दादाजी पीछे पीछे, बाकी सामान वगैरह लेते हैं, फ्री होते हैं और उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं। बाय बाय। फाइनली गाइस राशन वगैरह लेके आ चुके हैं और ये देखो ना बोरी चढ़ी हुई है, मतलब गाइस जब भी घर का व्लॉग आता है, जब भी घर पे जाता हूँ तो बोरी तो परमानेंट मेरे पेट पे ही रहती है। मतलब पिछले व्लॉग्स आप देखोगे तो हर व्लॉग में मतलब कोई ना कोई बोरी मेरे कंधे पे मिलेगी आपको। बाकी अभी सनसेट का टाइम भी है और सनसेट हो रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है सामने देखो, और माहौल देखो यार काफ़ी अल्टीमेट है, सामने का व्यू कितना प्यारा लग रहा है देखो। और दोस्त क्या ले, वो ठीक है? ठीक है गाइस, ये भी मेरी तरह ना इसके घर वालों द्वारा लाद दिया गया है, तो ऐसा ही चलता है यार गांव में, मतलब काम वगैरह करना पड़ता है, सब कुछ ऐसे सिस्टम चलता है सारा। बाकी भाई शाम के 6:30 बजे और अभी तक मतलब घर के काम ख़त्म नहीं हो रहे, मतलब इतने काम होते हैं यार, मतलब क्या ही बोले, काम 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 और कुछ नहीं। और फिलहाल आज के ब्लॉग का एंड ना यहीं पे करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।